हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत करना चाहूँगी आप सभी का आपके अपने चैनल यूज़फुल इन्फो वर्ल्ड में। दोस्तों, काफ़ी टाइम के बाद मैं अपना एक नया वीडियो लेकर आप सबके सामने आई हूँ। लेकिन इस वीडियो में आई तो मैं ज़रूर हूँ, खासकर बहुत सी ऐसी खास इन्फॉर्मेशन को लेकर जो आप भी जानना चाहेंगे। जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि हम अपने बॉडी को फिट रखने के लिए अपनी डाइट में ऐसे कौन कौन से खाद्य पदार्थ या ऐसे कौन कौन सी चीज़ों को नहीं लेते हैं जिससे हमारी बॉडी और अधिक ज़्यादा फिट और हेल्दी और साथ ही स्वस्थ क्यों ना हो। तो दोस्तों, अगर बॉडी को फिट रखने की बात की जाए तो सबसे पहले हम से फ्रूट्स का नाम लेंगे, है ना दोस्तों। फ्रूट्स का नाम सुनते ही सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाने वाला फ्रूट कौन सा है, तो शायद आप एप्पल का ही नाम लेंगे। जी हाँ दोस्तों, एप्पल से जुड़ी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आज मैं आप सबके सामने आई हूँ जो शायद आप भी जानना चाहेंगे। अक्सर आपने कई ऐसे छोटे छोटे चीज़ों को नोट आउट किया होगा, लेकिन डिटेल में बिल्कुल नहीं जाना होगा कि एप्पल जैसा फ्रूट इतने सारे फाइबर, पोटेशियम और ऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, लेकिन कई बार हम ऐसे देखते हैं कि इसका कॉस्ट भी ज़्यादा होता है। तो ऐसे महंगे फ्रूट्स को अगर हम लेकर आते हैं मार्केट से और कुछ टाइम बाद वो ख़राब हो जाए तो हमें बड़ा दुख होता है। तो क्यों ना हम एप्पल को सुरक्षित रखने के लिए कुछ ऐसे आसान से टिप्स अपना लें जिससे हमारे एप्पल कभी ख़राब हो ही ना, और फ्रेश एप्पल आप अपने लिए भी खा सकें और अपने बच्चों को भी दे सकें। सेब को फ्रिज में रखने के बाद कई बार आपने पाया होगा कि यह खराब होने लगते हैं, साथ ही कई बार सेब का स्वाद भी खराब होने लगता है। आपको बता दें कि लंबे समय के लिए अगर सेब को स्टोर करना चाहते हैं तो सेब में पाए जाने वाले एंजाइम सबसे ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जिससे ये ज़्यादा पक जाते हैं और सेब का स्वाद खराब होने लगता है। इसके बाद कई बार आपने ये भी देखा होगा कि वह भूरे रंग के होने लगते हैं। अब ये भूरे रंग के क्यों होते हैं यह भी जान लीजिए, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है। जब आप सेब को काटते हैं तो एंजाइम ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाता है, जिससे ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आपके लिए यह जानना भी ज़रूरी है कि एंजाइम जितना अधिक समय तक खुला रहता है वह उतना ही भूरा होता जाता है। पर प्रश्न ये उठता है कि ऐसे में हम सेब को स्टोर करके कैसे रखें। बिना टाइम वेस्ट किए आपको इसके विषय में जानकारी देते हैं कि क्या सेब फ्रिज में रखना चाहिए। हाँ, फ्रिज में सेब को रख भी सकते हैं और नहीं भी। दरअसल फ्रिज में अगर आप बहुत अधिक तापमान पर सेब को खुला रखते हैं तो ये खराब भी हो सकते हैं, पर अगर आप इसे बचाना चाहते हैं तो आप इसे पेपर में लपेट कर या किसी बास्केट में डालकर भी रख सकते हैं। इससे सेब के फायदे पहुंचाने वाले पोषक तत्व जैसे एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम, फाइबर आदि की भी हानि नहीं रहेगी। ध्यान रहे कि लंबे समय तक खुला करके या काट कर सेब को फ्रिज में रखने से आपको बचना होगा। अब बात कर लेते हैं कि सेब को स्टोर करके रखने का सही तरीका क्या है। सेब कम हो तो उसे आप रेफ्रिजरेटर में ज़रूर रखें। 90-95% ह्यूमिडिटी के साथ सेब को स्टोर करने का आदर्श तापमान 30-35 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ऐसे में अगर आपके पास बहुत सारे सेब नहीं हैं तो रेफ्रिजरेटर एक अच्छा विकल्प है। अब कैसे रखें यह भी जान लीजिए। पहले सेब को प्लास्टिक की थैली में रखें जिसमें कि छेद हो ताकि एयर पास होता रहे, या फिर सेब को एक नम कागज़ या तौलिए से ढक दें और तब फ्रिज के किसी काउंटर में रख दें। ध्यान रखें कि सेब को अन्य सब्जियों वाले काउंटर में स्टोर करके ना रखें, क्योंकि सेब से एथिलीन गैस निकलती है जो कि बाकी सब्जियों को नुकसान कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, एथिलीन एक ऐसी गैस है जो आपके एप्पल को सेफ रखती है, लेकिन अगर आप इसके सराउंडिंग में दूसरी चीज़ों को रख देंगे, मतलब दूसरी खाद्य पदार्थ जैसे सब्जियों को रख देंगे, तो वो उसको नुकसान भी पहुँचा सकती है, लेकिन ये आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगी, यह भी जान लीजिए। अब बात आती है कि अगर आपके पास ज़्यादा सेब हों तो ऐसी स्थिति में क्या करें। तो ऐसे में अखबार या क्राफ्ट पेपर का सहारा आप ले सकते हैं। इसमें आप क्या करें कि एक एक एप्पल को इस क्राफ्ट पेपर या कागज़ में लपेट कर एक टोकरी में रख दें या उन्हें ट्रे में डालकर स्टोर करें, पर कोशिश करें कि बिना पेपर में डाले एक साथ इकट्ठा करके सेब बिल्कुल ना रखें। कागज़ सेब को अलग रखता है और इससे नुकसानों से बचाता है। इसमें भी यह कोशिश रखना चाहिए कि आप इसे समय समय पर देखते रहें कि कहीं कोई सेब खराब तो नहीं हो रहा है। अगर आप इसकी जांच नहीं करेंगे तो हो भी सकता है कि वो दूसरे सेब को भी नुकसान पहुंचा सके।
कई बार हमने यह भी देखा है कि एप्पल के स्लाइसेस पे अगर नींबू लगा देते हैं तो यह और ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। अब कैसे, यह भी जान लीजिए कि नींबू का फ़ायदा यह है कि इसमें साइट्रिक एसिड होता है जो कि एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है। इसलिए जब आप सेब के स्लाइस पर नींबू का रस लगाते हैं तो यह ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को रोकने में मदद करता है। अब यह काला और भूरा बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है ना कि अगर हमने एप्पल को यूज़ किया और आधा एप्पल हमने यूज़ कर लिया और आधा एप्पल ऐसे ही रहने दिया, तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है यह भी जान लीजिए कि अगर आपके पास नींबू अवेलेबल है तो नींबू के रस को पानी में निचोड़ लीजिए और जो एप्पल की स्लाइस है उसको नींबू के रस में जो हमने पानी तैयार करा है उसमें डिप करके रख दें और थोड़ी देर बाद उसको बाहर निकाल लें। अब क्या होगा, 3 से 4 मिनट तक रखने के बाद यह काला और भूरा बिल्कुल नहीं होगा। इसके अलावा जब भी आप सेब काटकर प्लेट में रखें तो उस पर हल्का सा काला नमक डालें और नींबू लगा लें, जिससे उसका स्वाद भी बढ़ जाएगा। साथ ही नमक की परत ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को काफ़ी धीमा कर देगी, जिससे सेब को इन हेल्दी तरीकों से स्टोर भी किया जा सकता है, साथ ही इनका फ़ायदा भी उठाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे आसान से तरीके जिनको अपनाकर आप एप्पल को लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं और आप इसके पोषक तत्वों को बिल्कुल भी नष्ट किए बगैर उपयोग में ला सकते हैं। एप्पल से जुड़ी यह जानकारी आपको कैसे लगी मुझे ज़रूर से बताएं। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में और फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर से शेयर करें। थैंक यू।